जिस तरीके से बहुत के तो लैंग्वेज है ना बहुत भगवा भगवा बहुत ये क्या है वो तो बिल्कुल बेचारी चुपचाप थी एकदम कोई जाति नहीं था वो बीजेपी के गुड्डे थे इसको जाति का कलर नहीं दिया जा सकता इतने गलत लैंग्वेज का प्रयोग आप कैसे किए आप पर एफ क्यों ना अभी तक हुआ इनका तो नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए हजारों हजार पोस्ट रोड पर ट्रक लगा दिए पप्पू यादव को नहीं जाने देना है हमने कहा उनसे भिला दो वो भी नहीं दे दिए भिजवा दिए और आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार रहते हुए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए या तो मोदी जी को कहिए पर कर दे नीतीश को रूडी जी आप कायर हैं कमजोर हैं जो आपकी सरकार रहते हुए आप कहते हैं ज में होगा गोलियां चलेगी आम लोगों कह रहा है। कह रहा रहा है अभी क्या हुआ करेगा तो फिर गोली चलेगी की घटना को पसंद की क्या फिर रोहनी पर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई या आलोचना क्यों नहीं हुई मतलब यदि कोई पप्पू यादव गड़बड़ करेगा तो वो भी करेगी मतलब कानून का सहारा नहीं लेंगे भार में जाए कानून संविधान तो एक जाहिल विद्वान आदमी जो एमपी पी है इतना बड़ा जाहिल तो मैंने दुनिया में नहीं देखा ये भैया तो उतना बड़ा जाहिल कोई हो सकता है जो यह बोले मतलब पांच आदमी प्रशासन के सामने पूरा एस डी डीएसपी थे मूत लुटने चली गई क्या बोलते हैं ये लोग भाई जो मन में आता है सो बोलते हैं राजपूत और यादव युवाओं से पूछना चाहता हूँ चार के बाद तो जो हारेगा कोई जीतेगा कोई वर्कर मर गया क्या हुआ इतने भी फुर्सत लोगों को नहीं है अपने वर्कर को घायल वर्कर को देखने रोनी जी के अलावे कोई नहीं गए सेल्फ सेंटर में तो गोली चलेगी और आगे भी चलेगी ट्वीट भी है उन्होंने उसका आया उसका आया नमस्कार मेरा नाम आलोक है आप, आप लाइव चीज देख रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता पप्पू यादव हैं अब तो कांग्रेस नेता ही कहेंगे सारण गए थे छपरा गए थे जहाँ पर गोलीकांड हुई है देखिए गोली चलना किसी की दुखद मृत्यु होना ये काफ़ी गंभीर विषय है काफ़ी दुख का विषय है लेकिन पप्पू यादव को उनके परिजनों से मुलाकात नहीं करने दिया गया आखिर क्या ऐसी बात है पप्पू यादव कह रहे हैं कि सारण में उन्होंने रोहिणी आचार्य की मदद की है अभी पाटलिपुत्रा में मीसा भारती की भी मदद करेंगे पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं आप सारण गए तो अब तो वहाँ पर ठीक है थोड़ी शांति है कल से आपको मिलने क्यों नहीं दिया गया भैया मुझको एक बात समझ में नहीं आती देखिए रोहिणी जी खुद ही लोगों की सहानुभूति वहाँ लोग रोहिणी जी के साथ थे पिता लगातार पाँच दिन छः दिन इस उम्र में लालू यादव जी का इतने बीमार की स्थिति में छपरा रहना तो मैं तो कह सकता हूँ मैं सैल्यूट करता हूँ लालू यादव भाई अपनी बेटी के लिए एक पिता के रूप में जो भूमिका निभाई लालू यादव से महान मैं नहीं समझता जिस तरह से जी ने किडनी दी तो लालू यादव ने भी अपने पिता किडनी नहीं दी किडनी किसी एमपी एमएलए के कारण नहीं दी भैया कोई आदमी अपनी जिंदगी दे के पद लेगा भाई क्या बोलते रहते हैं ये लोग जो लोग इतनी गंदी बात करते हैं ना आप कोरोना में हम मर जाते तो हम एमपीएम को क्या होता कोरोना में हम लाश उठा रहे थे तो हम कोरोना में लाश इसलिए उठा रहे थे कि कोई हम पब्लिक हमको पीएम और सीएम बना दे पटना के बाढ़ में हमको कितना वोट आया अड़तालीस सौ वोट दिया पब्लिक ने हमको तो आगे भी आप सबक करिएगा भैया मैं यह कह रहा हूँ कि जो घटना घटी ये घटना क्यों घटी इसमें जाति से नहीं जोड़िए मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ बीजेपी के वर्कर बीजेपी के गुंडे और बीजेपी का नेता का जो जाहिलपन है जलालत है उनका जो एग्रेशन है वो जो जबकि ये लोग एक लालू जी के साथ राजनीति किए नब्बे में प्रभुनाथ भाई साथ में राजनीति किए जादव राजपूत एक दूसरे को मिलकर वोट करते रहे हैं लालू यादव जी को राजपूत 20 प्रतिशत वोट करते रहें पच्चीस प्रतिशत तीस प्रतिशत आज भी पुराने राजपूत समाज के बुजुर्ग लोग लालू यादव की इज्जत करते हैं और लालू यादव से अलग नहीं हो सकते हैं लेकिन ये जो राजनीति है इतनी गंदी खेल इतनी गंदी राजनीति जो नया जनरेशन और कुछ लोग अब मैं नहीं मानता पाँच आदमी मात्र गाड़ी में ऑर्डर था कोई छठा हो नहीं सकता ये चुनाव निर्वाचन आयोग का ऑर्डर है और भोला जी उसी के हिस्से हैं भोला जी मैं तो भाई लालू यादव से ज्यादा भोला जी की वफादारी को सैल्यूट करता हूँ बीजेपी जो कह रही है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी इस एवज में ही लालू यादव ने बीजेपी की गंदा चरित्र दिखता है सब बीजेपी की नहीं उन नेताओं का जो ऐसी बात करते भैया किडनी इस कम उम्र में कोई और क्यों नहीं अपने बाप को अपने पति को किडनी दे देता है अपने पति को किडनी देने के लिए तो सोचता है लोग दस बार ये तो अपने पिता को किडनी दिया है भाई मैं रोनी जी के का रेस्पेक्ट करता हूँ बेटा क्यों नहीं दे दिया दोनों बेटा दे देते क्यों नहीं दे दिया बेटा देखने गए थे नहीं देखने कब कब ऑपरेशन कब जब गए क्या कहते हैं तो 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 सिलेंडर करने गए थे तब भी बेटा नहीं था शहर रियल में रोनी और मीसा भारती ये दोनों अपने पिता और माँ के लिए जो किया है ना लालू यादव जी ने तो दिया अपने बच्चों बेटे को लेकिन जो मीसा भारती ने जो सेवा राहुल लालू यादव जी और अपनी माँ की की है और अपने छोटी बेटी ने की जो की है ये वहाँ पर हो ही नहीं सकता था ऐसी घटना लेकिन जिस तरीके से रोहिणी जी पर भद्दी भद्दी टिप्पणी की ये हट किया मैं मैं पूछना चाहता हूँ रूढ़ी जी से कि रूढ़ी जी हमारे घर की माँ बहन आपकी माँ बहन है आपकी माँ बहन मेरी भाँ बहन है एक बार किसी पर टिप्पणी मेरे वर्कर ने किया था हमने किसी महिला पर मैंने पार्टी से निकाल दिया उसको लवली आनंद जी पर टिप्पणी किसी ने कर दी थी मैंने कहा सवाल नहीं उठता ऐसे लोग मेरे पार्टी में नहीं रह सकते और मैंने लवली आनंद जी को भाई भाभी के रूप में सूचक किया था मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भौंस के तो लैंग्वेज है ना भौंस भगवा भगवा ये क्या है वो तो बिल्कुल बेचारी चुपचाप थी एकदम सीधी कोई प्रतिक्रिया नहीं था लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते जी की वो वहाँ बूथ कैप्चर करने कर भैया आपको तो समझ वो तो वोट लुटने का मतलब पांच आदमी प्रशासन के सामने पूरा एस डी थे वहाँ बूथ लुटने चली गई क्या बोलते हैं ये लोग भाई जो मन में आता है सो बोलते हैं अरे नीरज जी कुछ ही दिन पहले ना राजद के साथ आप थे आपको जाधव का वोट उस वक्त चाहिए था और फिर कल राजद के साथ होइएगा तब क्या कहिएगा आप दो दो तो मिनट में कम से कम इतना तो नीरज जी रहने दीजिए कि रिश्ता बके रहे वो तो बीजेपी के समर्थकों ने भी नारा लगाया कि आप यहाँ बूथ लूटने आए हैं आप यहाँ से जाइए बीजेपी के समर्थक नहीं, बीजेपी तो नफरत को बांट के ही तो राजनीति करना चाह रही थी बांट के ही घटना इतनी बड़ी घट गई आप किसी भी जाति को गाली नहीं दिया जा सकता और मेरा मानना है जादव और राजपूत एक ही कृष्ण वंशज है ये बिल्कुल आप उठा के देख लीजिए कृष्ण की बहन की शादी किससे हुई है भाई और अर्जुन की बहन की शादी सुभद्रा की कृष्ण से हुई है रुकमणी की और सुभद्रा की शादी कृष्ण अर्जुन से हुई है भाई आप रिश्ते को भी तो देखिए हम राजनीति के लिए चार तारीख के पहले उसके बाद क्या करेंगे मैं तो मैं राजपूत और यादव युवाओं से पूछना चाहता हूं चार के बाद तो जो हारेगा कोई जीतेगा कोई वर्कर मर गया क्या हुआ इतने भी फुर्सत लोगों को नहीं है अपने वर्कर को घायल वर्कर को देखने रोनी जी के अलावे कोई नहीं गए आप हमें बताइए ना पप्पू यादव के जाने का मतलब था पीस ठीक है तो आप अब उसके बाद जो सुबह एक जाहिल विद्वान आदमी जो एमपी है इतना बड़ा जाहिल तो मैंने दुनिया में नहीं देखा बीजेपी रहे हैं भैया उतना बड़ा जाहिल कोई हो सकता है जो यह बोले कि सेल्फ सेंटर में तो गोली चलेगी और आगे भी चलेगी ट्वीट भी है उन्होंने उसका, आप ये बोल रहे है। उसका उन्होंने ये पैदा किया ये नफरत एफ आई आर होना चाहिए जो यादव को मारो यही बात राजपूत यादव को मारो पैदा नहीं कर सकता वो वो जिस तरीके से एग्रेशन बीजेपी के गुंडों में बढ़ा राजपूत यादव की लड़ाई कितना बार हुई आप हमको बता दो ना जो आप इस तरह की बात कर रहे हो चार जून के बाद क्या होगा ये लड़ाई होगी फिर सब साथ रहेंगे नहीं, आपको, लेकिन, आपको क्यों रोका गया ये बताइए ना लेकिन लेकिन अभी क्या हुआ और भी होगा आपको क्यों रोका गया भैया पप्पू यादव को जाने नहीं देना हम तो बाढ़ में पहले भी मुबारकपुर में इतनी बड़ी यादव राजपूत की घटना करती थी तब भी तब क्यों नहीं गए थे लोग तब तो कोई नहीं गए इतने बड़े मुबारकपुर में घटना घटी जाहिल एमपी गए थे बाढ़ में गए थे आप तो जेल भी गए थे लता शराब इतना शराब में गए थे वाले घटना में रहता अभी जेल गए थे जो एम्बुलेंस का मैं कह रहा हूँ ये जो जनता की चीजों की बात करते बा हैं ये ये जाति के आधार पर चुनाव लड़ने जाते हैं और किस आधार पर और दूसरा मोदी गेल भैसिया पानी में आप इतनी इतने गलत लैंग्वेज का प्रयोग आप कैसे किए आप पर एफ क्यों ना अभी तक हुआ इनका तो नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए इन्होंने भड़काने की कोशिश की है और इतने राइफल आए कहाँ से जब चुनाव था तो सीज क्यों नहीं हुई थी इसका मतलब वहां के डीएमएसपी ने पार्सलिटी की और आज दो दिन के अंदर नौ सौ राइफल कैसे जमा हो गया नौ और एक घर में माफियाओं को बालू माफिया को दो दो तीन तीन लाइसेंस है ये कहाँ से आई और अभी तक लाइसेंस कैंसिल कैसे नहीं हो रहा है और जो लोग एक दिन पहले गाली दिए कोई माँ बेटी इसको पसंद नहीं करेगा मणिपुर की घटना को देश की बेटी पसंद की क्या हथरस की घटना को पसंद की क्या फिर रोहिणी पर भी इतनी बड़ी टिप्पणी की गई या आलोचना क्यों नहीं हुई रोहिणी जो कहा कि राजनीति खेल रहे हैं रोहिणी ने रोहनी जो कहा टिप्पणी की उन्होंने जो बाइट दिया उन्होंने कि ये बीजेपी वाले गुंडे हैं क्या ये सही है आप बिल्कुल सही है एकदम कोई जाति नहीं था वो बीजेपी के गुड्डे थे इसको जाति का कलर नहीं दिया जा सकता और बहुत रोक दिया नज़रबंद कर दिया होटल में जाके बंद कर दिया कहने के लिए बैठिए लेकिन पूरा फोर्स लगा दिए हजारों हजार फोर्स रोड पर ट्रक लगा दिए पप्पू यादव को नहीं जाने देना हमने कहा उनसे भिला दो वो भी नहीं पैसा दे दिए भिजवा दिए हम तो डर निकालने लोगों के बीच से गए डरने की जरूरत नहीं है पीस की जरूरत है नफरत की जरूरत नहीं है और मैं छपरा के यादवों से कहूंगा ये बात अलग है कि वो हमारे हम रोनी का जो वो सवाल है आत्मस्वाभिमान से जुड़ा हुआ है मैं मानता हूं और आत्मस्वाभिमान को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसका रिवेंज नहीं है प्रतिक्रिया नहीं है कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता रूढ़ी जी आप कायर हैं कमजोर हैं जो आपकी सरकार रहते हुए आप कहते हैं कि रिवेंज में होगा गोलियां चलेगी और आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार रहते हुए तो चुल्लू बर पानी में डूब के मर जाइए या नहीं तो मोदी जी को कहिए बर्खास्त कर दे नीतीश जी को सरकार रहते हुए आप कह रहे हैं गोली चलाने इसका मतलब आपकी सरकार फेल्योर है ना तो मतलब पुलिस के बदले वो आम लोगों को हथियार उठाओ यही बात तो, अब ये कानून है लोग कैसे को कह रहा है। कह रहा रहा है, अभी क्या हुआ करेगा तो फिर गोली चलेगी मतलब यदि कोई पप्पू यादव गड़बड़ करेगा तो वो भी करेंगे मतलब कानून का सहारा नहीं लेंगे भान में जाए कानून संविधान रूढ़ी जी का मुख्य कानून अब चलेगा छपरा में उनकी राइफल आग उगलेगी अब ठीक है मैं अंतिम सवाल यह है कि आप मानते हैं कि वहां के प्रशासन को इन बयानों को देखकर एक्टिव होना चाहिए एफ करनी चाहिए चार जून को चप्पे चप्पे पुलिस रखनी चाहिए मतलब घटना आप करें कि चार जून को, को निश्चित रूप से एहतियात बरतने की जरूरत है जिस तरीके की भाषणबाजी और एग्रेशन वहां के नेतृत्व कर रहे हैं यह समाज को तोड़ने वाली है आग में घी डालने वाली है यह पीस की बात नहीं है इसीलिए इन पर एफ करके इनको जेल में बंद करिए और जो डेथ किए हैं उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा एसपीडी ट्रायल जो लोग इसमें इन इन्वाल्व हैं उस पर तीन सौ का मुकदमा एक दिन पहले जो बेटियों को गाली दिया उसको अभिलम जेल भेजिए और सारे लाइसेंस को कैंसिल करिए देखिए पप्पू यादव हमारे साथ है क्या कुछ उन्होंने छपरा कांड खोल लेकर कहा है क्यों उन्हें नहीं जाने दिया गया इस पर भी उन्होंने बातें रखी हैं और राजीव प्रताप प्रोडी की कितनी गलती है ये भी उन्होंने बताया है खुलकर आपने सुना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें धन्यवाद